कौन सी मरहाल पेड़ में नहीं रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रह जाएगा। दिस विल बी जस्ट अ चस्का। शान साहब जी, जी जनाब, बेगम साहब, मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है लेकिन सर सर हल्का रहने दें, जला देगा, पकेगा नहीं अंदर तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अनदर व्लॉग व्लॉग विद आज़म खुशामदीद। तो आज मेरे साथ सबसे पहले शकील अब्बासी साहब, मेरे हाथ में तो सामान है, मैं कैसे हाथ हिलाऊं? जगम साहब क्या बात है, क्या बात है, घर में हम गिलास भी उठाते हैं और आजम साहब ने ये सामान हमें उठाया हुआ है, ये हाल है आजम साहब। आखिरकार हमें जगह मिल गई जहाँ पे हम बारबेक्यू करेंगे, ये देखें। तो जगम सीने चढ़ा लिए सर। हाँ जी, शान साहब तैयार हैं, आग भी लगानी है, कोयले भी जलाने हैं। सर रन मृदी की पहली शादी यहाँ से मसूल हुई है। जगम साहब ये कुछ साथी आए हुए यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, ये देखें कोयले फेंक रहे हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है शाम को जी। निशान साहब जी, जनाब आजम भाई, तो सर हुक्म करें आप। बेगम साहब, आजम साहब हैं जी, ये निशान साहब हैं, इनका टीम अक्सर मारा रहता है। नहीं, हकीम जिंदा है मेरा। किल बाजी साहब क्या हुआ जी? लड़ाई ना हो, चार बड़े पीस लाए हैं, बाकी छोटे करेंगे। क्यों सर इसमें बनना नहीं है? क्यों लाए आप? फ्री लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते क्या है मुझे, इधर मोड़े क्या समझते मुझे? सर हम आपको व्लॉग विद आजम समझते हैं। हां अलग बात है, आजम द ग्रेट, किसी बेवफा ने आज मुझे धोखा दे दिया। आजम द लेजेंड, लेजेंड आजम द यूट्यूबर, आजम द व्लॉगर, ये हमारे निशान साहब हैं। तो निशान साहब ये जी, आजम साहब ने अपने खूबसूरत हाथों को गोश्त के अंदर डाल दिया। वो पैर लगे हुए छुरी का इस्तेमाल करें सर, फर्स्ट टाइम में पहला स्टेप ये होगा, पहले हल्का से, फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप में ये होगा। आपको थकना नहीं चाहिए वैसे, माशाल्लाह जितने एक्सपीरियंस हैं आप बूढ़े हो गए सर। इतने अच्छे से बीवी की मुट्ठियां दबा दबा बूढ़े ही हो गए। क्या करें सर, बेगम काम भी इतने ज्यादा करवाती है। बेगम तो कह के रहना करवाएं, हम रिक्वेस्ट करें आपके हक के लिए, इन बेचारों को हैं हक है सर उसको करवाने में। बेगम साहब कोई दो चार तस्वीरें ही बना लें ताकि जो है हम वो स्टेटस पर भी लगा सकें। वाह, पुदीने की खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है। क्या बात है, पुदीने की क्या बात है। शकील अब्बासी साहब ए एक गला चंगिया नहीं, थोड़ी जी परेशानी बड़ी हुई है। थोड़ी जी बड़ी है, थोड़ी जी परेशानी बड़ी हुई है। हाँ जी भाई, नाजम मसेर पहुंच गई, वे मसेर पहुंच गई, मसेर पहुंच गया है जी। सर ये देख नहीं उतारे, सब्र सब्र करें सर। आजम साहब मैंने आपको कहा था कि आपने ऑयल लाना है और उस ऑयल में आपने ये वो करना था, लेकिन आप नहीं लाए, तो अब इसका हल मांगेंगे। अब इसका हल के पास हमसायों से मांगेंगे, इसका हल यही है। हमसाय भी ना लाए हुए तो फिर किसी और हमसाये को दिखाएं, एक मिनट हमसाये को, अगले साल स्पीकर लगाएं, पूरा प्रोग्राम डायरी पे लिख लाएं क्या क्या करना है, वो चेक करें। डायरी पे लिख के लाए हैं आजम साहब, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो कमाल है। आपसे कम इतनी अकलमंदाना बातों की तवक्को नहीं थी हमें। आप चिकन धोए और मैं जो हूँ ये चटनी का सामान जो है वो रेडी करता हूँ। और जगम साहब आप क्या कर रहे हैं? ये आपने देखा है कि पुदीना जो है छुरी, ये छुरी किस तरीके से तेज कर रहे हैं? नहीं नहीं काम कर रहे हैं ना, वो चिकन धो रहे हैं आजम साहब और मैं ये चटनी बनाने का वो सामान तैयार कर रहा हूँ। ये टकोरा करने के चक्कर में ये फ्रेश पुदीना आपके सामने धोया जा रहा है और अभी हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये पता नहीं शकील किस सेंस से काम किया हो, इतना दूर बैसे रखा बंदा पहुँच ही नहीं सकता। ये जी ये चिकन का इसमें पीस है, ये उसके ऊपर उतार लिया। नहीं पता था यहाँ सफाई करने वाले हैं, आपको बहुत तजुर्बा। अभी क्या बोल देता है, पंचायत की होती है। अच्छा बड़े पहुंचे बुजुर्ग हैं वो जी। जी जानता हूँ मैं, बिल्कुल। सबर सबर सबर, कैमरा लाएं जी, दिखाएं ये हमारे नाज़रीन को कि व्लॉग विद आज़म के व्लॉगर जो हैं आज़म साहब इस वक्त
मैरिनेट कर रहे हैं सर, सब्र सर, सर मिक्स भी करें सर, डाल नहीं सब्र करें ऊपर सर, अभी ऊपर दही थोड़ा डालेंगे फिर गट्ठा मैरिनेट डालें आप, सारा डालें चीजें सर, मैं तजर्बे डालें आप, ये ज्यादा मसाला सर ज्यादा डालें, एक किलो के लिए होता है याद है, बहुत तेज हो जाता है यार, नहीं नहीं होता तेज, अब काम करें आप थोड़ा सा नमक डालें, हल्का सा नमक, ना 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 हल्का सा नमक, नमक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है यार, वही अच्छा खासा। अच्छा एक काम करें, दो नींबू फेंके यहीं ऊपर, हां नींबू लीमू दो नींबू फेंके काट के हटे सर, पहले नींबू धोएं, नींबू निचोड़ने हैं पहले सर, खोलें, चलो जी पानी गया ना जी, देखें जी गाइस हम आज तैयारी के साथ आए हैं, छुरी लाई है, नमक लाया है, अब घर से रात को मार पड़े वो लग भात है, लेकिन ले आया हूँ फिलहाल, छुरी मुझे काट के दीजिएगा थोड़ी सी, आपको नींबू चूसने का बहुत शौक है सर, मैं तो गाइस ये देखें ये हम नींबू ऐड कर रहे हैं, नहीं इसमें से वो निकाल लेते ना बीज, क्या नहीं नहीं अब जाने दें बीज सर, थोड़ा सा दही डालें शान से, थोड़ा सा दही, ठीक है सुन लिया, हाँ दही बहाना, अब बीज मैंने काटना है बहुत मजे का होता सर, सर उस दिन सुनो वो उसने मुझे दावत दी हसन ने, यार घर में नियाज है आना ना, माशाल्लाह हमारा चिकन मैरिनेट होने के लिए हमने तैयार कर दिया है, तो साथ देखें जो हमारे जिशान साहब ये चटनी बना रहे हैं, तो आजकल घर से हम आज हम घर से मूला और क्या कहते हैं जी इसको, हम तो इसे दवड़ी मूला कहते हैं, जगम साहब क्या ऐसे कहते होते हैं आप, लंगरी हम सराइकी में दवड़ी मूला कहते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह ये देखें, देखिए मेरे कट लगाने का आप देखिए सर, इसके ऊपर ऑयल होता है ना घर, हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, ऑयल डलता भी और इसके ऊपर चोपड़ा भी होता है, तो वो अब इसको 5-10 मिनट के लिए हम रख देंगे, ऐसे ही है हाँ, तब तक हम आग जला रहे हैं, ये माशाल्लाह हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं, खबरदार किसी ने आप चीज पर डाका डाला है, पता नहीं कहाँ से लाया है, बहरहाल बहुत अच्छा दही लाया है, प्लेट में डाला, नहीं नहीं ये जायका नहीं आएगा, फिर पुदीना थोड़ा था, थोड़ा था सही वीडियो सही नहीं आएगा जायका, कर तो सही फिर ना कहना अच्छी नहीं, ये हमारे मसाए थे इनके पास आए, ये बारबेक्यू लगा रहे, तो यहाँ कहाँ रहते हैं, ये रावलपिंडी से आए, इनके देखें आप कोयले बिल्कुल गर्म हो चुके हैं, थोड़े लेके जाएंगे हम इधर से, मुझे पता तो आपने कोयलों को जलाने के लिए, यार बहुत मजे का था ये सच में, बस यार बस ये दो दे दो, बस ये दो तीन, बस बहुत मजे का था, किस लिए उठाएंगे, रुको मैं उठाने के लिए, पूरी बात है यार, बाकी दही उसमें डाल दो अगर ज्यादा है तो, गिराओ नहीं इस ग्लास से, हम इसमें कोयले डालेंगे, गिरा क्यों रहा है, गिर रहा है, मजा तो है वो तो मैं भी मानता हूँ, क्या हुआ कोयले नहीं दे रहे, ला रहे क्यों नहीं दे रहे, ये जाएगा सब धोने हैं, जल जाएगा, सीखें धोएं थोड़े हाथों से मेहंदी लगी, नहीं लाओ यार धो लो, अच्छी ब्लाव के भी है, धो गया भी बंदा गया, गाइस क्या गिलास में कोयले लेके जा रहा हूं मैं ऐसे ही कह रहा था, काफी गर्म है गिलास, स्टाइल मसेर स्टाइल अपना अपना, ये वैसे कोयले थोड़े हैं, मैंने जगम साहब इन्हें आजम साहब को पहले कहा था कि कोयले सर अगर आधे कोयले ना बचे मैं जलाना दूंगा, आधे कोयले ना बचे, इस पे चार सीखे बन गए ना तो बहुत बड़ी बात, सर मैं कहता हूं आपके सामने आपने वाड़ दिया सर, सर सच में वाड़ा है, मैं इसको मैं कह रहा था 2 किलो से कम नहीं होने चाहिए, मैं कहता हूं सर आप इधर ही है ना, देखें आप सर मैं कहता हूं आप इधर ही होंगे, सुने पिछली बार हम आए बारबेक्यू लगाने, आपने कोयले लगाए नहीं, किसी के लगे हुए हम बना के ले गए हैं सर, और कोयले कहां है, ये माचिस है जी, तो यार ये किसके लिए लेकर आए, सब्र करें आप सर, उसे वो लेकर आ और जला, पता है ये इसमें ना आजम साहब ख्याल कीजिएगा कि मर्चें ज्यादा होती है, हाथों पे लगती भी है, कोई मसला तो या तो शॉपर हो नहीं, कोई सर इतना तो मर्दानी होनी चाहिए, वो प्लेटें दो ले आते हैं ना उसको नीचे रख के ये रखते रहते हैं, तो ये देखें जी ये बड़े इसको नहीं इसको कैसे करना है आप बताएं, इसको ना लंबे अंदाज में, अच्छा तो ये एक सीख पे दो करने हैं, एक सीख पे एक क्या आएगा,
चिकिया क्या दो लगाएंगे अच्छी आएंगे दो लगाएंगे। सर एक लगाएं उधर जगह नहीं है इतनी। जो होगा सर हमारा पहला पे ठीक है आप छोटी बोटियां डालेंगे भाई पहले ये चार ये लगा लो इसी के साथ भी तो छोटी लग सकती है। नहीं अभी आग है या कोयले सुलग रहे हैं क्या सीन है सर तैयार हो गए बस ये लगाएं तो तैयार हो जाएंगे ये बस चार दे के मुझे नहीं आग पे भी लग जाता है कभी कभी। माशाल्लाह ये चक्कर है सर फटाफट करें फटाफट चौथा पीस किधर खाद नहीं लिया किधर है बड़ा पीस कच्चा कौन खा सकता है मैं खा सकता हूँ सर आप तो आदम खोर हैं सर हम तो इंसान हैं आदम साहब हमें टाट ना करो यार आराम से तो इधर से पकड़ के हाँ चेकिए लगाने का तरीका मैं कहता हूँ एक और भी लगाए ना क्योंकि इतना हमारे पास जगह नहीं है ना ये इसको पकते हुए बहुत टाइम लगेगा और इतना नहीं है कि एक लगा के दूसरी लगाते रहेंगे हम ये क्या एक तबीयत सही है आजम भाई मुझे लगता है उनकी पक्की है ऊपर सॉस डाल दो यार उनसे पंखी ले लो ना हमसायों से ये कोयले अब डाल रहे हैं आप लोग शान साहब जी जी जनाब बेगम साहब मजा आ रहा है मजा तो आ रहा है लेकिन सर सर हल्का रहने दें जला देगा पक्के गानी अंदर तक थोड़ा सा सब्र कर लें सर मैं भूख लगी हुई शदीद अब मेरे हाथ रोटी के लिए भेजें इसको हाँ भेज दें यार ये तो सही बन रहा है क्या कलर दे रहा है यार भाई थोड़ा इधर दिखाएं यार कलर दिखाएं इनको यार ये सही नहीं लगा ये देखो इतना नहीं एक और मुझे दे दो एक और इसमें डबल लगा दो हाँ ये ले अभी क्या ना सही लगा अब सही डी डी ओ ब्ला डा डा ये ले पंखा ला गुस्सा ना करे मुझे इतना भूख लगी जैसे कोई साहब नहीं आपको जगम साहब सारे भूख तो लगी हुई है ये चीज चाहिए चेक करो जी ये जी हमारे हमसायों की तरफ से आया हमसायों की तरफ हमें टेस्ट करेंगे टेस्ट करें शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया ये जी टेस्ट कर रहे हैं जी माशाल्लाह जबरदस्त एक लजी लाए हुए हैं अभी देखें जी हमारे हमसाय जगम साहब जो भी है मजा आएगा यकीन माने मेरा तजर्बा ये कहता है आपको तजर्बा क्या कहता है मेरी एक बात सुनेंगे आप सर मैंने ये सब साइड पे करो उनको रखें पर आखिरी सेगमेंट काना सर आप ज्यादा अल्पना करेंगे अच्छा माय कान है तो बस फिर काट देना बीच रोक दो स्टॉप कर इस टाइम शाम के तकरीबन मगरब होने वाली हम लेक व्यू में आए थे आज तक पार्टी कर रहे हैं ये देखें ये हमारा किचन था जहाँ पे हमने गोश्त दो चीज़ें बनाई मेरा मुसैन नाजम और ये वो जगह जहाँ पे हमारे जनाबे वाला जगम साहब जगम कलीम साहब जी सर क्या कर रहे हैं पिकों के साथ दो हाथ कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं ये देखें जी तो माशाल्लाह से हमारे कितनी खूबसूरत लुक आ रही है तुकों की तुकों की नहीं सर तिकों की तिकों की क्योंकि जुबान लड़खड़ा रही है भूख की वजह से भूख की वजह से जुबान लड़खड़ा गई है तो अब यहाँ पे हमें नान भी नहीं मिले और तिकों से मेरा हाल पेट भी नहीं रह जाएगा रह जाएगा नहीं रह जाएगा दिस विल बी जस्ट अ चस्का क्यों हमारे साथ आज वो हो गया मोए मोए हमारे साथ लगता है मोए मोए हो गया लेकिन ये देखें ये हमारे साथ ये है ना ये क्या हुआ जनाब यार बहुत भूख लग रही है आजम साहब यकीन करें क्या लग रही है बहुत आपको चटनी का बहुत शौक तो नहीं है शौक तो है लेकिन कुछ लाए ना आप बना वासी साहब आप मेरा भूखे मरे आज हमारे साथ नहीं नहीं मैं शरा फ्रेश हूं खा पी गया हूं आप अपने हालात बताएं क्या पीछे मेरी तो बड़ी मैं बिल्कुल ये नहीं कि नाश्ते के बगैर आया हूं और भूख से बुरा हाल है ये हमारे हमसाए भी देखें साथ बारबेक्यू कर रहे हैं ये पीछे तो बड़ा जबरदस्त व्यू अभी लाइटें भी यहां हो गई यहां लेक व्यू पार्क की तो अब रोटी यहां से मुश्किल है निशान साहब जी मुश्किल ही है वो गए तो है वो पता करना रोटियां मार के खत्म हो गई तो हम फिर अंकल से लिए बांध अंकल जी क्या हाल है सुनाए तो उनसे ये बांध दिए हमने आठ तो ये ले पैसे काटे जी ले आ यार वरना आज हमारा प्रोग्राम
बढ़ जाता अगर ये ना मिलता हमें। तो अंकल ये बोतल कितने की है? ये जी मुझे खुद आना पड़ेगा लगता। तो भाई ये हमारे बंद हैं, ये बंद नहीं है, लगता है मुझे खुद आना पड़ेगा। हम बंद के साथ खाएंगे। भूख लग रही है थोड़ा सा। अच्छा एक एक आध बोटी तो खिला यार, अभी बनने दो, खिला दो। अच्छा ये आप खा, नहीं नहीं खाओ खाओ खाओ, नहीं 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 मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा, आप लो लो। नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, अब आप खाओ। ये ना जी 400 के बंद लाए, अभी कहना भूख लगी हमें। क्यों बासी साहब जगम साहब आपने जला दिया, आज मजा आने वाला है यकीन करें। ये आसम भाई को रोटी नहीं मिली तो हम बन ले आए हैं, चले आसम भाई की गुफाएं। अच्छा आप खाओ हम ना खाएं। चलो भाई मैं खाना नहीं, खाने वाला काम नहीं, लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। बैठाओ ले आओ जगम साहब। ये साइड वाली बोटी थी, चलो ले आओ यार। ये देखें जी जरूरत तो जरूर, ये देखें जगम साहब बड़े भूखे होकर खा रहे। जगम साहब शकील वासी साहब जी सर जी जी, तो देखिए हमारा ये सब कुछ आ गया है लेकिन ये ठंडे हो गए, तो अब हम खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें आप वो फुल को।